नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DHFL का अगला भविष्य क्या हो सकता है। 2020 में वो 15 रुपये का ही रहेगा या कंपनी ही खत्म हो जाएगी, कोई और खरीदने वाले हैं और उनका नाम क्या है जो खरीदने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों, जो FD आपने करवा रखी है यदि आप उनमें से एक हैं तो उनका क्या होने वाला है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके कोई पैसे या शेयर्स अगर DHFL में फंसे हैं और मेरे पास कोई भी अपडेट आता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको अलर्ट कर दूं। तो दोस्तों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरा अपडेट वाला वीडियो नहीं मिल पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 मिनट पहले 30 तारीख की खबर है। अब जो DHFL की तरफ पैसे मांग रहे हैं वो उसमें से 87,000 करोड़ मांगे हैं क्रेडिटरों ने, यानी कि जो कंपनी की तरफ पैसा मांग रहे हैं उन्होंने 87,000 करोड़ मांगे हैं। और इन पैसों में FD नहीं है, यानी कि जो आपने FD करवा रखी है वो इसमें शामिल नहीं है। वो जो कि है 6,188 करोड़ रुपये की FD थी ये, और ये थी दोस्तों 6 जुलाई को, ठीक है। मोटा मोटी 6 महीने हो गए हैं इस बात को भी। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला जो बैंक है वो है SBI, और SBI की सिंगापुर वाली ब्रांच भी इसमें शामिल है और करीबन 10,000 करोड़ के ऊपर का इसमें पैसा मांग रहा है ये। अब यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 87,905 करोड़ रुपए पैसे मांग रहे हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अभी चल रहा है, यानी कि दिवालिया कानून इस पर चालू होगा और इसकी जो भी संपत्ति है वो बेच दी जाएगी और पैसा चुका जाएगा। अब दोस्तों, इस 87,000 करोड़ में FD वाले पैसे शामिल नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, यानी कि आपने जो FD करवा कर DHFL में पैसा दिया है, ठीक है, वो पैसा इसमें शामिल नहीं है। उसका क्या होगा हम वीडियो के आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो डाटा अवेलेबल है, ठीक है, फिनेंशियल क्रेडिट, अब जिन्होंने बॉन्ड खरीद रखे हैं इनके, वो है करीबन 46,992 करोड़ के, ठीक है। अब वाइल बॉन्ड होल्डर, अब बॉन्ड कितने हैं इसमें, करीबन 45,550 करोड़ के बॉन्ड है इसमें। वो फिनेंशियल क्रेडिटर जैसे कि मान लो SBI और ये है, इनके करीबन 41,000 करोड़ के आसपास इसमें फंसे हुए हैं। अब SBI इसमें सबसे बड़ा है, उसने दे रखे हैं करीबन 10,000 करोड़, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया आता है 4,125 करोड़ दे रखा है, केनरा बैंक का करीबन 2,600 करोड़ दिया हुआ है, और PNB तो देने में आगे ही, उसने कभी करीबन 2,500 करोड़ के आसपास में इसमें दे रखा है। अब दोस्तों, जब ये खबर आई थी मार्केट में तो आप शेयर को देखिए दोस्तों, कल इसने लाल कैंडल बनाई और करीबन 2 दिन से 17 रुपये से गिर गए ये, मतलब आप देखिए यहाँ पर करीबन 18 रुपये 17 रुपये 90 पैसे का हाई था ये, और जब ये खबर आई दोस्तों तो उसके बाद वापस ये 1 रुपये नीचे गिर गया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो क्लेम आया है वो आया है 950 करोड़ का, और ये जो आया है ये एक समूह से आया है, और ये समूह है रियल इस्टेट कंपनी का, ठीक है। अब आप दोस्तों देख रहे हैं, हमारे देश में वैसे ही रियल सेक्टर जो है, रियल इस्टेट वाला सेक्टर अभी मंदी में चल रहा है, ऊपर से DHFL उसके पैसे नहीं दे रहा, काम उसका कैसे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक नीलकमल करके भी एक पैसे देने वाला व्यक्ति है, नीलकमल रियल टेलर टावर प्राइवेट लिमिटेड, इसके करीबन 750 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। ये भी मुंबई बेस्ड कंपनी है, रियल इस्टेट में काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, अब ओवरऑल आप देखेंगे तो इतना मैटर तो क्लेम हो चुका है और इतने इसमें शेयर्स फंसे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम्प्लॉई की तरफ से पैसा लेना है, यानी कि एम्प्लॉई भी इनको पैसा देने के लिए, अभी एम्प्लॉई को पैसा नहीं मिला है, कुल मिला के बात यह है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल जो है करीबन 1,00,000 फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर है DHFL में, और वो भी अभी फंसे पड़े हैं। यदि आप भी दोस्तों इसमें फंस चुके हैं, आपका पैसा भी इसमें फंसा हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइए और नीचे कमेंट कीजिए कितना पैसा फंसा है और कब का फंसा, कंपनी आपको क्या कह रही है रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता देता हूँ या आपको कमेंट में बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, DHFL पहली बैंक है जो NCLT में दिवालिया कानून के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि DHFL 50 के लेवल पर तो थोड़ा सा रुका था, ठीक है। अब ये कितना रुका है, कब तक रुकेगा, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो रेंज थी अपर साइड में 60 और नीचे की 40 में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपको टाइम दिखेगा ये दिखेगा करीबन दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम तो 15 जुलाई का टाइम दिखेगा, और यहाँ देखेंगे हम तो सितंबर की कौन सी तारीख दिख रही है, मतलब पूरा सितंबर। तो मोटा मोटी 2 से 2.5 महीने इस रेंज को बनाने में लगे, और रेंज जब टूटा दोस्तों तो 3 से 4 सेशन में ही वो आधा रह गया, यानी कि जब 40 की रेंज टूटी तो 20 का हो गया, ठीक है, 10 दिन के अंदर ही अंदर, मतलब कि 4 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में वो आधा हो गया। अब उसके बाद दोस्तों कुछ खबरें आई कि उदय कोटक साहब इनके मालिक बनने जा रहे हैं, वो इनके लिए सूट करेगा, कोई महिंद्रा का बता रहा था वो सूट करेगा, तो दोस्तों ये बढ़कर वापस 25-30 तक आया, ठीक है। अब 25-30 से दोस्तों आप देखेंगे, अगर आप ट्रेंड लाइन भी बनाना आती है आपको, या आपको ट्रेंड लाइन से भी चीज़ें अगर आपको समझ में आएगी,
तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन से टूट के बाहर तो आ चुका है, लेकिन जब तक ये इस ट्राइंगल को, यानी कि ये जो रेंज इसने बना रखी है, जब तक इस रेंज को बाहर से ना तोड़े। अब यहाँ देखिए, अभी रेंज तोड़ने की कोशिश करता है फिर सेलिंग आ जाती है, यानी कि नीचे रेंज तोड़ने की कोशिश करी थी इसने, फिर बाइंग प्रेशर आया, कुछ खबर आ गई मार्केट में और ये ऊपर आ गया। ऊपर की साइड जब इसने रेंज तोड़ने की कोशिश करी तो वापस इसको रेंज में लेके आ गए। अब दोस्तों कब तक सेफ है ये? 15 के ऊपर सेफ रहेगा और 17 के भीतर सेफ रहेगा। अब दोस्तों अगर ये 17 के ऊपर जाता है तो हमें 20 से 30 रुपये के लेवल आसानी से दिखा देगा, जिसके कि चांसेस अभी नहीं है। नहीं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, कि अब ये रोज़ की रोज़ ऐसी खबर आ रही है तो उसमें कोई भी नया निवेशक आने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आपके पैसे FD या कुछ भी इसमें फंसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।